नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल बंजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक कार्बन के नाइन स्मार्टफोन को रिपेयर करके दिखाएंगे। इस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम है जो हम आज आपको सही करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दिया लेकिन ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और हो सके तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, ये है कार्बन का मोबाइल। इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि इसका जैक ख़राब हो गया है और जिसकी वजह से ये चार्जिंग नहीं ले पा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, ये है कार्बन का K9 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन जिसका जैक ख़राब हो गया है। तो चलिए दोस्तों, रिपेयर करते हैं हम इसको। सबसे पहले आपको इस मोबाइल के सारे स्क्रू खोल लेने हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है जिससे कि समय कम लगे। आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे करके एक एक सारे स्क्रू खोल रहा हूं और इसको खोलने के बाद सेफली मैंने इसका बैक कवर हटा दिया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर इसका मदरबोर्ड दिखाई देने लगा है। सबसे पहले दोस्तों, आपको इसका एक एक जैक जो होता है, जो जैक के अंदर पत्ता लगा होता है, बिल्कुल बारीकी से प्यार के साथ उसको निकाल देना है, क्योंकि अगर एक भी इसका जैक या पत्ता ख़राब हो गया तो फिर वो काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको उस पत्ते को रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर जैक को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर इसका जैक ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप सावधानी से ही इसको, इसके पत्ता और इसके जैक को अलग करें। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको मदरबोर्ड निकाल दिया है और ये एंटीना वायर है, इसको भी सेफली हटा दीजिए। हटाने के बाद आप देख सकते हैं ये है मदरबोर्ड और ये इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इसका चार्जिंग जैक लगा हुआ है जो कि पूरी तरह से ख़राब है, जिसकी वजह से ये फोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो आज हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आप SMD मशीन लीजिए। SMD मशीन से आपकी इसकी हीटिंग को 350 पर रखिए और एयर को 6 पर रखिए और सेफली इस जैक के साइडों में आप इसकी एयर मारेंगे, जिसकी वजह से ये जैक आसानी से निकल जाएगा और इसके मदरबोर्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सावधानी से इसके आसपास में आप हीटिंग मारिए और इसको आराम से बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, सेफली मैंने जैक को बाहर निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। ये है इसका मदरबोर्ड और ये आप देख सकते हैं इसके सारे प्रिंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सिर्फ इसमें एक ही प्रिंट दिखाई दे रहा है, बाकी प्रिंट्स के दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें दो प्रिंट शायद गायब हैं और सिर्फ मुझे इसके दो प्रिंट चाहिए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, क्योंकि यही इसका माइनस और प्लस पॉइंट होते हैं। अब मैं इसको ब्रश से साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ करने के बाद मैं इसकी सोल्डिंग क्लियर करके इसको सही से साफ़ कर दूँगा। देख सकते हैं मैंने इसको करीब करीब साफ़ कर दिया है, जो इसके प्रिंट हैं वो दिखाई देने लगे हैं और जो इसके है ही नहीं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये है वो चार्जिंग जैक जो मैंने इसमें लगाने के लिए निकाला है। कोशिश ये कीजिए कि जो फ़ोन के अंदर जैक लगा हुआ है सेम वही जैक आप मोबाइल के अंदर लगाएं, क्योंकि अगर आप दूसरा जैक लगाएंगे तो वो सही से चलेगा नहीं और उसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर आप सेम जैक लगाएंगे तो वो ठीक से लग जाएगा और उसकी लाइफ भी सही रहेगी। सबसे पहले जैक की जो जितने भी प्रिंट होते हैं, जिसके वायर होती हैं, जो 5 वायर होती हैं इसके अंदर, 5 कनेक्टर कनेक्शंस होते हैं जिसके, जिनको आप सेफली सोल्डिंग कर लीजिए और इस चार्जिंग जैक के पेट के ऊपर थोड़ा सा सोल्डर लगा लीजिए, जिससे कि जब हम इसको जैक को लगाएंगे हल्की सी हिट देने के बाद SMD मशीन से, ये अपने आप ही चिपक जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैक को सेफली मदरबोर्ड के ऊपर रखिए सारे प्रिंट मिलाकर,
ये देखिए सारे प्रिंट देख लीजिए। अब इसके ऊपर हल्का सा प्रेशर चिमटी से रखना है और जैक के चारों तरफ आपको हल्की हल्की हिट देनी है। ये देखिए जैक लग गया है। जैक लगने के बाद आप मदरबोर्ड को निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने सावधानी से इस जैक को लगा दिया है। देख सकते हैं जैक बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है, कहीं से भी कुछ भी ना तो ये जला है ना कोई प्रॉब्लम आई है, ये आसानी से लग गया है। अब मैं सेफली इसको मदरबोर्ड के अंदर मोबाइल के अंदर लगा लूँगा इस मदरबोर्ड को। लेकिन याद रखना है जैसे आपने प्यार से इसके सारे कनेक्टर निकाले थे वैसे ही आपको प्यार से इसके सारे कनेक्टर लगाने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर एक भी कनेक्टर इसका कट जाता है या ख़राब हो जाता है तो फिर वो फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आएगी और ठीक से चलेगा नहीं। तो फाइनली मैंने फ़ोन को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर चार्जर कनेक्ट कर दिया है। आप देखते हैं ये चार्ज होता है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें बैटरी का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें चार्जिंग दिखाई दे रही है।